हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमन और स्वागत है आपका रसोई रमन की में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जीरा आलू। ये आप किसी व्रत में खा सकते हैं या आप ऐसे ही इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। तो दोस्तों, जीरा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें हमने मोटा मोटा काट लिया है, ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, हमें मोटा मोटा ही रखना है। यहाँ पर मैंने एक पैन में सरसों का ऑयल डाल दिया है, अच्छी तरह से हम इसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हम जीरा आलू बना रहे हैं। इसके बाद हमने कटे हुए आलू डाल दिए हैं। अब 2 मिनट तक हम इसको ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, स्टर करते रहेंगे। हमें इसे हिलाना छोड़ना नहीं है, पलटते पलटते हम इसको हिलाते रहेंगे। ज़्यादा हमें इसे तलना नहीं है क्योंकि हम आलू की चाट नहीं बना रहे हैं, हम जीरा आलू बना रहे हैं, इसलिए हमें 2 मिनट तक इसको भूनना है। अब यहाँ पर कटी हुई अदरक डाल देते हैं। अदरक हमने पहले इसलिए नहीं डाला कि अदरक हम पहले डाल देते तो ये जलने लग जाता, तो हम इसको बाद में ही डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच सेंधा नमक लिया है, जो व्रत वाला नमक होता है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने धनिया का पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दी है, और 2 कटी हुई हरी मिर्च इसमें हम डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने इसमें भुना हुआ जीरा डाल दिया है, और अच्छे से हम सारी चीज़ों को हिला लेते हैं। मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास पुदीना पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप यहाँ पर धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस टाइम नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अच्छे से हम इसको हिला लेंगे, और हमारा जीरा आलू बनकर हो गया तैयार। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं, और ये व्रत में बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप बिना व्रत के इसको बना रहे हैं तो आप किसी भी चपाती, परांठा या पूड़ी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।